साथियों, मैं नरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी के लिए एक और जो है डीएसटी ने अभी लेटर जारी कर दिया गया है जो सभी छात्रों के लिए बेहद जरूरी सूचना उस सभी के लिए जो आईटीआई कर रहे हैं करंट में। तो साथियों, आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आगे भी आपको मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। तो साथियों, जो बड़ी अपडेट आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आ रही है कि एक लेटर अभी जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो जो लेटर है उसके रिगार्डिंग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने भी अपना एक लेटर जारी किया गया है सभी जो है आईटीआईस को, चाहे वो राज्य के हो या प्राइवेट हो। तो इस तरह का लेटर साथियों सभी राज्यों में भी जारी किया गया है। तो इसमें जो बोला गया कि सब्जेक्ट में कि देख लीजिए 21 मई को ही जारी किया गया है, तो इसमें जो छात्रों का जो डाटा है उसमें कोई एडिटिंग वगैरह या कोई करेक्शन वगैरह करानी है तो उसके लिए जो है ये एक बार और जो है सभी आईटीएस को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो इसमें बोला गया कि जो 2019-20 में दाखिला पश्चात जो विद्यार्थी थे उनका जो डाटा NCVTMS पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, अगर उसमें कोई करेक्शन की जानी है तो वो 24 जो है मई तक दोपहर 2 बजे तक जो है यहाँ पर अपनी जो है डाटा डीएसटी को भेज सकते हैं, जिससे कि जो ठीक कर सके डाटा। और जो बच्चे जिनका डाटा में कोई करेक्शन है, जिनमें किसी की फ़ोटो गलत लगी हुई है कोई, या वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आई है, या कोई नेम फादर नेम में कोई इस तरह की गलती है, तो वो भी जो है अपने स्तर पर जो है आईटीआई ठीक करवा सकती है। तो ऐसे जो भी छात्र हैं जिनका कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, जिस किसी बच्चे की कोई फ़ोटो वगैरह गलत लगी हुई है आपकी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जब आपने किया था, या कोई नेम फादर नेम में कोई इस तरह की कोई डाटा में करेक्शन है, तो वो उनके लिए सभी आईटीएस को 24 मई से लेकर 31 मई तक जो है यहाँ पर टाइम दिया गया है ताकि जो आपका नेम वगैरह ठीक हो सके, नेम फादर नेम फ़ोटो वगैरह इस तरह की चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। तो ऐसे अगर कोई छात्र हैं जिनकी कोई नेम फादर नेम में कोई करेक्शन है, कोई फ़ोटो वगैरह किसी की गलत अपलोड हुई है, तो ऐसे छात्र अपने क्लास इंचार्ज को ज़रूर बता दें ताकि उनका ये डाटा ठीक हो सके। क्योंकि हो सकता है कि आईटी स्तर पर कि अगर आपके क्लास टीचर को या किसी को ना पता हो, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि आपने जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किया था कुछ समय पहले जनवरी में, तो वहाँ पर अगर आपको कोई गलती दिखी हो तो आप अपने क्लास इंचार्ज को बोलकर ये ठीक करवा सकते हैं। साथियों, ये जो लेटर है ये इस तरह का लेटर जो है पूरे भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ही डीएसटी ने जो आखिरी मौका दिया गया है, तो ये इस तरह का लेटर जो डीएसटी ने सभी राज्यों को जारी किया गया। तो सभी राज्यों के छात्रों की अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है नेम फादर नेम में या कोई फ़ोटो में, तो वो अपनी आईटीएम में संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि अब डीएसटी आखिरी मौका दे रही है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यह डीएसटी भारत सरकार द्वारा दिया गया आखिरी मौका है, तो इस मौके को आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी छात्र का कोई इस तरह की कोई गलती है तो वो ठीक करवा लीजिए अभी। तो इस सूचना को साथियों अपने सभी साथियों में शेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि किसी छात्र का या आपके साथी का कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उन तक ये सूचना पहुंच जाए। तो चाहे आप इस सूचना को वर्बली बताइए या वीडियो शेयर करके बताइए, कैसे भी करके ये बता दीजिए, क्योंकि तो आखिरी मौका ऐसे छात्रों के लिए, उनकी कोई गलती है तो ठीक हो जाएगी, अदरवाइज वही डाटा आपके जो मार्कशीट पर भी अपलोड हो जाएगा, तो वैसे में फिर आपको बाद में दिक्कत होने वाली है। तो इसे अपना जो निजी कर्तव्य समझते हुए इस सूचना को शेयर कर लीजिएगा, चाहे किसी भी तरह आप कीजिए, चाहे फ़ोन कीजिए, चाहे वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी आपके साथी का भला हो सके। तो यही साथियों लेटेस्ट अपडेट थी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद साथियों।